नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। करीना कपूर खान के शो व्हाट वुमेन वांट में हमें बहुत से गेस्ट्स देखने को मिले और बहुत सी अच्छी बातें भी सुनने को मिली। और तो और स्टार्स ने खुद से जुड़े कई किस्से भी करीना के साथ शेयर किए। लेकिन अब जो गेस्ट शो में आए हैं वो इन दिनों काफी चर्चाओं में बने हुए। दरअसल हम बात कर रहे हैं अजय नागर उर्फ कैरी मिनाती, जो कि हाल ही में करीना के शो में नजर आए। कैरी को हमने अभी तक सिर्फ कॉमेडी करते हुए और रोस्ट करते हुए देखा, लेकिन व्हाट वुमेन वांट में हमें उनकी सीरियस साइड देखने को मिली। करीना ने कैरी से उनकी जर्नी और स्ट्रगल्स के बारे में पूछा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि लोग उन्हें ऑनलाइन बुली कहते हैं, तो इस बारे में उनका क्या कहना। इस बात का जवाब देते हुए कैरी ने कहा, वो जब भी किसी को रोस्ट करते हैं तो वीडियो बनाने से पहले उनकी परमिशन लेते हैं। वही जब करीना ने पूछा कि फीमेल क्रिएटर्स के कंटेंट पर लोग गाली देते हैं और रेप की धमकी देते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, इस बात का जवाब देते हुए कैरी ने कहा, रेप सबसे ज्यादा बुरी चीज है और जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं इस दुनिया से रेप खत्म कर देता। इतना ही नहीं, जब उनसे करीना ने पूछा कि तुम्हारा सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो वो था जिसमें तुमने एक टिकटॉकर को रोस्ट किया था और उसे बाद में यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, क्यों, इसके जवाब में कैरी ने कहा, मैम अगर इसका जवाब मुझे मिल जाए तो जिंदगी ही बदल जाएगी। एक बार तो मैगी भी बैन हुई थी, मैं क्या चीज हूँ। बता दे, कैरी अपने इस वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए थे। जो लोग उन्हें जानते भी नहीं थे वो इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद उन्हें जानने लगे थे। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें भी आई थी कि कैरी मिनाती जल्द ही अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मे डे में नजर आएंगे। इस फिल्म में वो अपना खुद का ही कैरी मिनाती वाला कैरेक्टर निभाते नजर आएंगे। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, कैरी मिनाती अब काफी पॉपुलर हो गए। तभी तो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने उनका इंटरव्यू लिया। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।